तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन से हाउस डिज़ाइन के, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आप इस मॉडल को बनवा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने चारों तरफ बाउंड्री वॉल भी दिया है, देख सकते हैं चारों तरफ बाउंड्री वॉल है और आपका ये पूरा ऊपर छत दिख रहा होगा। तो पूरा मॉडल बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने डिज़ाइन करने की कोशिश की है और इसका साइज़ भी हम बताएंगे, साथ साथ ये मॉडल आप डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं ना, वो भी आपको बताने वाले। तो वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। और इसका साइज सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, 28x30 फीट में ये बना हुआ है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब करके रखिएगा ऐसे वीडियो पाने के लिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो आज का जो मॉडल है, देखिए मैं पहले आपको सबसे पहले फ्रंट व्यू दिखाता हूँ, फिर इसका टॉप व्यू, ऊपर से आपका घर कैसा दिखेगा, साइड से आपका घर कैसा दिखेगा देख सकते हैं। साइड से हालांकि मैंने क्लोज कर दिया है, अगर आप बाउंड्री वॉल करा रहे हैं तो चारों तरफ विंडो की लगा सकते हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, बट मैंने सिर्फ फ्रंट में ही विंडो दिया है। तो ये देखिएगा यहाँ से स्टेयर्स हैं, यहाँ से चढ़ेंगी आपको एक बारंदा टाइप का स्पेस मिलेगा बड़ा सा, ये पिलर है और इस पर आपका एक बीम पड़ा हुआ है और ये एक बेहतरीन से विंडो है दोस्तों, देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की, इससे आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए ग्राउंड फ्लोर है, स्टेयर के माध्यम से जाएंगे तो आप यहाँ पर चढ़ जाते हैं अपने बारंदे में और इस बारंदे से आपकी एंट्री होती है। तो मेन गेट तो आपके ब्लैक वाला है, ये देख सकते हैं। इधर आपका एक विंडो भी मैंने दिया है और फ्रंट में ही एक विंडो दिया है। जैसे आप बारंदे में जाते हैं तो ये आपका गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम में बारंदे से एंट्री है, बारंदे से मैंने डोर दिया तो गेस्ट रूम में एंट्री कर जाएंगे और साइड में भी एक विंडो दिया है। कुल मिलाकर दो विंडो है गेस्ट रूम में, इससे प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहे। आप मेन डोर से एंट्री करेंगे अंदर तो आप पहुँचते हैं आंगन में और ये आपका किचन, फ्रंट में ही मैंने किचन दिया है क्योंकि फ्रंट में मैंने विंडो दिया है, इससे प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहे। इधर आपकी दोस्तों स्टेयर्स हैं और उसी के नीचे लेट बाथ। ये आपका एक बेडरूम है जो आप देख सकते हैं और आप इसे भी बेडरूम बना सकते हैं, उसके लिए फिर डोर आपको इधर से लगाना होगा, बट मैंने उसे नहीं, उसे ऐसे डाइनिंग हॉल क्रिएट कर दिया है। आप यहाँ पर एंट्री अपने सोफा बेड जो भी जान लो, एज ए रूम ही वर्क करेगा। कुल मिलाकर के आप जो भी यहाँ पर डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं क्योंकि ये भी एक बेडरूम ही है। कुल मिलाकर तीन बेडरूम, दो पीछे और एक आपको गेस्ट रूम जो कि आगे मिलता है। तो बहुत ही खूबसूरत प्लान है, हमारे ज़्यादा चीज़ें और के। और अगर आपके पास दोस्तों जगह है ना, अगर आसपास ना, जैसे कि मैंने बाउंड्री वॉल किया है तो आप चारों तरफ विंडो, जैसे इस बेडरूम में भी दो विंडो लगा सकते हैं और इस वाले भी बेडरूम में दो विंडो लगा सकते हैं, इधर भी आप किचन में एक और विंडो बढ़ा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी पास जगह, अगर आपके पास आसपास है। और बाउंड्री वॉल भी मैंने तो क्रिएट कर दिया है जिसे प्रॉपर सिक्योरिटी रहे घर की। और कुछ यहाँ पर मैंने फूल वगैरह, फ्लावर्स वगैरह भी लगा रखे और ये मैन खड़ा हुआ है। तो ये सारा एक डिटेल वीडियो मैंने 28x30 में दिया। अगर आप इसे दोस्तों डाउनलोड करना चाहते हैं, इस मॉडल का साइज़ वगैरह जानना चाहते हैं, कमरे का साइज़ क्या है वगैरह, तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर आइएगा जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आने के बाद मैंने इसी मॉडल को यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रॉपर तरीके से लिख रखा है, देख सकते हैं इसका ये सब हॉल का साइज, रूम का साइज़ क्या है, सब कुछ मैंने बता रखा है। तो आप इस वेबसाइट पर आइएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इस वेबसाइट का। इससे आप मेरे और भी बहुत सारे आर्टिकल पढ़ सकते हैं, बहुत सारे घर के नक्शे आपको यहाँ पर मिलेंगे, देख सकते हैं घर के बाहरी डिज़ाइन के फोटो वगैरह भी। हाँ, जैसे अगर आप कोई घर बनवा रहे हैं तो बाहर से कैसा लगना चाहिए, कि बाहर कौन कौन लुक हो सकते हैं वो दिखिएगा। मैंने यहाँ पर बहुत सारे इमेजेज आप लोगों के लिए दिए, जैसा भी आप घर चाहें वो दिख सकते हैं। इसका पोस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की, लास्ट फ्लोर पर मैंने क्या क्रिएट किया है। तो लास्ट फ्लोर पर दोस्तों 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल, स्टेयर्स को ढकने के लिए गुमटी बना दी है। और ये देखिए बाउंड्री वॉल बहुत ही सिंपल सी रखी है मैंने, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कॉस्टली बाउंड्री वॉल वगैरह कुछ बनाया, बहुत ही सिंपल घर बनाने की कोशिश की है जिससे आपका बजट रिड्यूस हो जाए। मैं चाहता हूँ कि दोस्तों कम से कम पैसे में अच्छा घर का डिज़ाइन बने, तो आप इस मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत मॉडल ये आपका बनकर रेडी होता है दोस्तों। लगभग 28x30 मतलब 900 square feet एरिया है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में बनवाएंगे तो लगभग 7 lakh rupees में ये बनकर तैयार होगा और उसमें भी हो सकता है थोड़ा सा बजट आपका कम पड़ जाए, तो 7 lakh एटलीस्ट तो रख कर चलिएगा और बहुत बेहतरीन मॉडल आप 7 lakh में बना पाएंगे। वीडियो अगर आपको हमारे पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमें लाइक ज़रूर किया करें, आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक्स।